गाइस वेलकम टू द गैजेट शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं सुपीरियर ओएस के एकदम से लेटेस्ट बिल्ड के बारे में। गाइस हम लोग देख सकते हैं ये जो रॉम है ये बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है वो है अगस्त 5 2020 जो कि एकदम से लेटेस्ट है। ये एक ऑफिशियल बिल्ड है एंड वर्जन का नाम है फेनिक्स। ऑल्सो यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है पर्फ कर्नल। अगर सीलिंग स्टेटस की बात कर ले तो हमें यहाँ पे एनफोर्सिंग स्टेट ही देखने को मिल जाता है। गाइस वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट दिस रॉम इज कि यहाँ पे हमें डिफॉल्ट लॉन्चर में ऑक्सीजन ओएस का जो लॉन्चर है वन प्लस लॉन्चर वो हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। ऑल्सो ये एक वैनिला बिल्ट है तो अगर आप माइक्रो जी एप्स को यहाँ पे फ्लैश करेंगे तो आपको पिक्सल लॉन्चर का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स ऑक्सीजन ओएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है एंड यूआई को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है तो इसलिए मैंने उसे ही डिफॉल्ट लॉन्चर के हिसाब से यहाँ पे सेट करके रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस आपको यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट वन प्लस लॉन्चर का रिसेंट मेन्यू देखने को मिल जाता है जो कि फिर से काफी एक अमेजिंग बात है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप कर ले तो आपको यहाँ पे गूगल फीड भी देखने को मिल जाता है एंड आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन में आके आप इसे शेल्फ मतलब वन प्लस का जो शेल्फ एप्लीकेशन है उसमें भी इसे स्विच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेवर सेटल। तो ये काफ़ी एक अपीलिंग फीचर है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले इसके क्यूएस पैनल के बारे में तो क्यूएस पैनल में डेली के यूज़ के एकदम सारे बेसिक टाइल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डार्क थीम के लिए टाइल अवेलेबल है, स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए भी टाइल अवेलेबल है, यहाँ पे स्विच डेटा कार्ड का भी एक टाइल प्रेजेंट है। डीसी डिमिंग से स्टार्ट करके यहाँ पे अगर बात कर ले एफपीएस काउंटर के लिए तो उसके लिए भी हमें टाइल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपैंड कर ले तो कुछ और इंटरेस्टिंग टाइल्स भी यहां पे प्रेजेंट है जैसे नियर बाय शेयरिंग, फोकस मोड, यहां पे थीम्स के लिए भी एक डेडिकेटेड टाइल है एंड यहां पे एम्बिएंट डिस्प्ले एंड हेड्स अप नोटिफिकेशन के लिए भी आप टाइल को यहां पे एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड यहां पे अगर हम लोग बात कर ले स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में तो स्क्रीन रिकॉर्डर हमें काफी बेसिक सा यहां पे देखने को मिल जाता है जहां पे बस आप बिटरेट को चेंज कर सकते हैं एंड ऑडियो सोर्स को यहां पे चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन एंड एफपीएस चेंज करने का ऑप्शन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलता। गाइस अगर सेटिंग्स पे बात कर ले नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स के बारे में तो यहाँ पे वाईफाई एकदम प्रॉपरली वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड वोल्टेज को लेकर के एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो वाईफाई कॉलिंग है एंड जो वोल्टेज वीडियो कॉलिंग है दोनों ही हमें यहाँ पे ब्रोकन देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे वो दोनों फीचर काम नहीं करेंगे। एंड अगर कॉलिंग परफॉर्मेंस आपको जानना है तो मैं आप सभी को एक कॉल करके दिखा देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग परफॉर्मेंस काफी ब्रिलियंट है, कोई एसएच प्रॉब्लम नहीं है कॉलिंग को लेकर एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी काफी लाउड हो जाता है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम पैनल है वो भी यहाँ पे एक्सपेंडेड वॉल्यूम पैनल प्रोवाइड किया गया है जो कि काफी एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है जब हम लोग वॉल्यूम पैनल को अप या फिर डाउन करते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सुपीरियर गुडेज जो कि इस रॉम का कंट्रोल सेंटर है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं बैटरी को लेकर। तो बैटरी बैकअप मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट देखने को मिला है जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग हमें मीडियम यूजेज में 6.5 घंटे का बैटरी लाइफ आराम से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाँ हार्डकोर गेमिंग करने पर आपका बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जा सकता है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात कर ले तो टिपिकल सारे मेन्यूज आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे एंड डीसी डिमिंग भी एकदम प्रॉपरली यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे अगर थीमिंग्स की बात कर ले तो थीम रूम यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आप सिस्टम थीम्स, एक्सेंट प्रेजेंट एंड यहाँ पे आरजीबी एक्सेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे एंड आइकन शेप के साथ साथ आप यहाँ पे स्टेटस बार आइकन को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर साउंड मेन्यूज की बात कर ले तो साउंड एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, इनफैक्ट आपको वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के लिए भी सेपरेट मेन्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पे एंड ऑल्सो यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहेंसर का जो मेन्यू है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसमें आप बेसिकली हाईफाई ऑडियो एंड इक्विलाइजर को ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी को लेकर तो हमें यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता, सो बायोमेट्रिक्स में बस आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिंगरप्रिंट को लेकर। पिन पैड एंड पासवर्ड एज स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिस्टम मेन्यूज को लेकर तो यहाँ पे सिस्टम अपडेटर प्रोवाइडेड है जिसको कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने के टाइम। इनफैक्ट आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारे मेन्यूज देखने को
को मिल जाएंगे। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं अभी इस रॉम के कस्टमाइजेशन सेंटर जो कि है सुपीरियर गुडीज। तो इसमें आप बेसिकली स्टेटस बार में जाएंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे वोल्टी आइकन को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं एंड काफ़ी सारे वोल्टी आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उनमें से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। इनफैक्ट आप यहाँ पे बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं एंड क्लॉक के पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले क्विक सेटिंग्स के बारे में तो क्विक सेटिंग्स में आप क्विक कूल डाउन को भी यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ पे ओओ स्टाइल क्लियर बटन को भी ऑन कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लाइक इस पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक गोल आपको यहाँ पे क्लियर बटन देखने को मिल जाएगा, ये बेसिकली ओओ स्टाइल का क्लियर बटन आपको दिखता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और मेन्यूज के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सिस्टम यूआई को रिबूट करके यहाँ पे हेडर इमेज को एनेबल कर सकते हैं एंड सेम गोज फॉर द लॉक स्क्रीन। हम लोग यहाँ पे लॉक स्क्रीन में भी काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें से सबसे अच्छे यही है कि यहाँ पे एफओडी आइकन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी वन प्लस के आइकन को सिलेक्ट करके रखा है एंड आप यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन को भी यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं एंड टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्टली अगर हम लोग बात कर ले इस रॉम के मिसलेनियस मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे आप वेकअप ऑन चार्ज एंड स्क्रीनशॉट टाइप एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई गेमिंग मोड हमें देखने को नहीं मिलता, सो मिसलेनियस में आपको किसी भी तरीके का गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता। गाइस यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले एब्सोल्युटली अच्छे से ही काम करता है एंड एम्बिएंट डिस्प्ले से जो फिंगरप्रिंट है वो भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। बस मुझे छोटा सा एक यहाँ पे डाउन पॉइंट लगा कि यहाँ पे जो क्लॉक फेसेस है वो चेंज करने का ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिला इस रॉम में। वैसे अगर कैमरा की बात कर ले तो इस रॉम में हमें बेसिक सा स्नैपकैम देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी पुअरली ऑप्टिमाइज्ड होता है एंड तीनों लेंसेज को आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे इस कैमरा में। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जी कैम या फिर एनिक्स कैम को यहाँ पे प्री इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप अलग से इंस्टॉल कर ले ताकि आपको बेटर कैमरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सके। और जो मैंने साइड नोट, इस रॉम में बेसिकली सारे लेंसेज जो है एकदम अच्छे से काम करते हैं, जस्ट आपको कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड दैट्स ऑल यू आर गुड टू गो। गाइज इस रॉम के DRM इन्फो के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो वाइड रेंज सीलिंग का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली यही मीन करता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में यूज़ कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में नेटफ्लिक्स अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कर सकेंगे, आपको बाहर से APK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने यहाँ पे नेटिव रूट चेकर को भी इंस्टॉल कर लिया है एंड यहाँ पे सेलिनक्स स्टेटस को छोड़ के सारे जो यहाँ पे पैरामीटर्स है सबका रिजल्ट हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। एंड नाउ कमिंग टू द सेफ्टी नेट को अगर हम लोग टेस्ट रन कर लें यहाँ पे तो हमें जो ओवरऑल स्टेटस है वो हमें यहाँ पे पास्ड देखने को मिल जाता है, जो कि फिर से काफी एक अच्छी बात है। गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे एज ये एक वैनिला बिल्ड है, तो कुछ एप्लीकेशन भी प्रीलोडेड है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग साइड विद गूगल फोटोज। ऑल्सो यहाँ पे रेट्रो म्यूजिक प्लेयर भी अवेलेबल है एज योर डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर प्ले म्यूजिक के साथ में। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो वेदर एप्लीकेशन के लिए आपको ऑक्सीजन OS का वेदर एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जो कि फिर से काफ़ी एक कूल बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। सो गाइस चलिए जल्दी से इस रॉम का गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट आउट कर लेते हैं PUBG के कुछ मैचेस खेल कर। ऑल्सो मैंने यहाँ पे लाइव FPS काउंटर का जो टाइल है उसे भी ऑन करके रख लिया है ताकि आप सभी को पता चल पाए कि हमें यहाँ पे कैसा FPS काउंट देखने को मिल जाता है। इस रॉम के अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले तो हमें काफ़ी डिसेंटली गुड गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। FPS भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है, फर्स्ट दो तीन मैचेस में अराउंड 58 टू 60 FPS रिटर्न करता है हमें। एंड ऑल्सो अगर आप एक्सटेंसिव पीरियड तक गेमिंग करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिवाइस हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स आप शायद से नोटिस कर सकेंगे। ऑल्सो यहाँ पर मैंने गीकबेंच 4 को भी रन किया है, सिंगल कोर में मुझे मिला है 637 एंड मल्टी कोर में है 2527 जो मिड टियर कैटेगरी में है, लेकिन कैजुअल गेमर्स एंड मॉडरेट यूजर्स के लिए ये जो परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट रहेगा। हार्डकोर गेमर्स के लिए शायद से स्टॉक कंडीशन में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ गेमिंग में। तो ओवरऑल रॉम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस, UI भी एकदम से लैग फ्री है, आप आराम से इसे डेली ड्राइवर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं कि इस रॉम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। हेलो
गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारे जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस ये जो रॉम है वो बेस्ड है MIUI वेंडर 12.0.2.0 एकदम लेटेस्ट के ऊपर। तो अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी ये वेंडर फ्लैश है तो आपको अलग से वेंडर फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे डिवाइस में अभी फ्लैश है तो मैं इससे एक्स्ट्रा करके मैं MIUI वेंडर को फ्लैश यहाँ पे नहीं करूँगा। तो हम लोग वाइप में आ जाएंगे, डायल्विक कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके वाइप कर देंगे। बट अगर आपके डिवाइस में वेंडर फ्लैश नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा 12.0.2.0 के MIUI वेंडर के जिप फाइल को आप ज़रूर से फ्लैश कर ले पहले। सो गाइस सुपीरियर OS का जिप फाइल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। तो गाइस रॉम ज़िप हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। नाउ गाइस हम लोग फ्लैश कर लेंगे ओपन जी एप्स का ज़िप फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एफक्रिप्ट डिसेबलर का जो जिप फाइल है उसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे यहाँ पे, एंड ये हो जाने के बाद रिबूट सिस्टम का जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर लेंगे। सो गाइस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देन सिम प्रेफरेंसेस को जल्दी से सेलेक्ट करके एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉयड फॉर्मेलिटीज़ है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ गाइस टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।